सील किया, पाबंद किया कंटेनरों से। अंग्रेजों ने करारदाद मुखालफत नहीं की करारदाद पाकिस्तान की, लेकिन इन अंग्रेज के एजेंटों ने लोगों को 20-20 मील और 12-12 मील लोग बेचारे बूढ़े चल के आए, और पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा जलसा मीनारे पाकिस्तान में हुआ। हम क्या चाहते हैं? हम अदारों से लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम फौज से लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम इलेक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं ये 13 पार्टियों के चोर उचक्के डाकू लुटेरे जिन्होंने मुल्क लूटा, पाकिस्तान बाहर ले गए, मुल्क में डिफॉल्ट हो गया, कह रहे हैं जी कि हमने सियासत कुर्बान की है, ये साले रियासत पे कब्जा करने वाले हैं। और सनाउल्ला जैसा उजरती कातिल और बदमाश, और जिसने मिनाजुल कुरान में हमला औरतों को शहीद किया, ऐसा इंसान इस मुल्क में कत्लो गारत चाहता है। हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, पाकिस्तान को बचा चाहते हैं। हमारी किसी इदारे से, किसी फौज से, किसी से लड़ाई नहीं, हम आगे चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दी है, कल लगेगी, आज लगेगी, इंशाअल्लाह ताला 90 दिन पे इलेक्शन होंगे। और अगर सारे लोग मिलकर 5-10 दिन आगे पीछे करके एक इलेक्शन करा लें, इसमें भी कोई हरज नहीं। मुल्क के हालात, मुल्क के मामलात देखें ना, सऊदी अरब से 5 रियाल मिले हैं, न चीन से, ना मुंह लगाया यूएई ने, उसने अपने 8 महीने के तेल के बाद भी सऊदी अरब ने पैसे बंद कर दिए हैं। और हमारे पड़ोस में देखें किस तरह सुलह हो रही है सऊदी अरब की, ईरान की, लबनान की, बहराइन की, और हमारे उन मुल्क में ये उजरती कातल अवाम से ललकार रहा है, लड़ रहा है। राणा सनाउल्ला टाइप के लोग, इनको अपनी सियासत, असल वजह क्या है एक लाइन में बताना चाहता हूं। जो परसों मीटिंग हुई है उसमें इनको बताया गया है कि इमरान खान 71% वोटों से जीत रहा है। परसों की मीटिंग में एजेंसियों ने इनको रिपोर्ट दी है कि पहले वो 65% पे जीत रहा था, अब 71% पे जीत रहा है। और ये इलेक्शन से भाग गए हैं। हमने इन 13 पार्टियों का को सियासी तौर पर दफन करना है। और मुफ्ती महमूद साहब की औलाद जो फजलुर रहमान आज पाकिस्तान में आसफ जरदारी की तरह और नवाज शरीफ की तरह गाली बन चुकी है, और दुआ करें कि फजलुर रहमान और आसफ जरदारी और नवाज शरीफ इनको सेहत नसीब ना हो, ये ना हो कोई और ही ब्रेकिंग न्यूज आ जाए। और मैं तमाम इस्लामाबाद के लोगों को कहता हूं कि FC की जितनी भी खिदमत हो सके उनकी खिदमत करें। FC वालों को अफतारी दे, सहरी दे, पानी दे। 25 तारीख को भी इन्होंने किसी मां बेटी पर कोई तशद्दद नहीं किया। FC का रोल तारीखी रोल था। मैं FC के रोल को सलूट मारता हूं। और जो इस्लामाबाद जैसे इश्फाक वड़ैत जैसे मंशियात फरोश लोगों ने जुल्म किया है उसको आइन के शिकंजे में लाएंगे। शेख साहब बताइए साहब के इंटरव्यू के आवाज में क्या कहेंगे जो मिला इंटरव्यू दिया? भाई उन्होंने कहा मैंने दिया ही नहीं, मैं जबरदस्ती कहूँ दिया। शेख साहब ये बताएं, शेख साहब जी सर जी ये बताएं, कल आपने स्टेटमेंट दिया कि चीफ जस्टिस के वालिद के साथ आपका करीबी ताल्लुक था और उनके दौर में इलेक्शन होना चाहिए, तो क्या? नहीं देखें, मैंने ये नहीं कहा, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। फतेह खान बंदयाल ने ये वेमेन यूनिवर्सिटी, ये सारे कॉलेज, ये सारे प्लाट मुझे अलाट किए, अल्लाह उनकी कब्र के दर्जात बुलंद करे। इस नए चीफ जस्टिस साहब को मैं नहीं जानता, ये बात मैंने की है। इसमें कोई बराई की है तो बताएं। इस नए चीफ जस्टिस साहब की ना मैंने शक्ल देखी है, ना मेरी सलाम दुआ है। फतेह खान बंदयाल के साथ ये 60 कॉलेज जितने बने हैं उस, और सवाल ये है कि ये चाहते हैं कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो ताकि नया चीफ जस्टिस हो, ताकि 8 अक्टूबर को जो है सदर अलवी ना हो। सर नया चीफ जस्टिस क्या PDM को सपोर्ट करेगा? मुझे ये नहीं पता, इतना सख्त सवाल का जवाब मैं नहीं देता, मैं शेख हूँ। सील किया, पाबंद किया कंटेनरों से। अंग्रेजों ने करारदाद मुखालफत नहीं की करारदाद पाकिस्तान की, लेकिन इन अंग्रेज के एजेंटों ने लोगों को 20-20 मील और 12-12 मील लोग बेचारे बूढ़े चल के आए, और पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा जलसा,
बहुत बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान में हुआ। हम क्या चाहते हैं? हम अदारों से लड़ाई नहीं चाहते, हम फौज से लड़ाई नहीं चाहते, हम इलेक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं ये 13 पार्टियों के चोर उचक्के डाकू लुटेरे जिन्होंने मुल्क लूटा, पाकिस्तान बाहर ले गए, मुल्क में डिफॉल्ट हो गया, कह रहे हैं जी कि हमने सियासत कुर्बान की है, ये साले रियासत पे कब्जा करने वाले हैं। और सनाउल्लाह जैसा उजरती कातिल और बदमाश, और जिसने मिनाजुल कुरान में हमला औरतों को शहीद किया, ऐसा इंसान इस मुल्क में कत्लो गारत चाहता है। हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, पाकिस्तान को बचा चाहते हैं। हमारी किसी इदारे से, किसी फौज से, किसी से लड़ाई नहीं, हम आगे चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दी है, कल लगेगी, आज लगेगी, इंशाअल्लाह ताला 90 दिन पे इलेक्शन होंगे। और अगर सारे लोग मिलकर 5-10 दिन आगे पीछे करके एक इलेक्शन करा लें, इसमें भी कोई हरज नहीं। मुल्क के हालात, मुल्क के मामलात देखें ना, सऊदी अरब से 5 रियाल मिले हैं, न चीन से, ना मुंह लगाया यूएई ने, उसने अपने 8 महीने के तेल के बाद भी सऊदी अरब ने पैसे बंद कर दिए हैं। और हमारे पड़ोस में देखें किस तरह सुलह हो रही है सऊदी अरब की, ईरान की, लबनान की, बहराइन की, और हमारे मुल्क में ये उजरती कातिल अवाम से ललकार रहा है, लड़ रहा है, राणा सनाउल्लाह टाइप के लोग, इनको अपनी सियासत। असल वजह क्या है, एक लाइन में बताना चाहता हूं। जो परसों मीटिंग हुई है उसमें इनको बताया गया है कि इमरान खान 71% वोटों से जीत रहा है। परसों की मीटिंग में एजेंसियों ने इनको रिपोर्ट दी है कि पहले वो 65% पे जीत रहा था, अब 71% पे जीत रहा है। और ये इलेक्शन से भाग गए हैं। हमने इन 13 पार्टियों को सियासी तौर पर दफन करना है। और मुफ्ती महमूद साहब की औलाद जो फजलुर रहमान आज पाकिस्तान में आसफ जरदारी की तरह और नवाज शरीफ की तरह गाली बन चुकी है, और दुआ करें कि फजलुर रहमान और आसफ जरदारी और नवाज शरीफ इनको सेहत नसीब ना हो, ये ना हो कोई और ही ब्रेकिंग न्यूज आ जाए। और मैं तमाम इस्लामाबाद के लोगों को कहता हूं कि FC की जितनी भी खिदमत हो सके उनकी खिदमत करें। FC वालों को अफ्तारी दे, सहरी दे, पानी दे। 25 तारीख को भी इन्होंने किसी मां बेटी पर कोई तशद्दद नहीं किया। FC का रोल तारीखी रोल था। मैं FC के रोल को सलूट मारता हूं। और जो इस्लामाबाद जैसे इश्फाक वड़ैच जैसे मंशियात फरोश लोगों ने जुल्म किया है, उसको आइन के शिकंजे में लाएंगे। भाई उन्होंने कहा मैंने दिया ही नहीं, मैं जबरदस्ती कहूँ दिया। जी सर जी, नहीं देखें, मैंने ये नहीं कहा, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। फतेह खान बंदियाल ने ये वेमेन यूनिवर्सिटी, ये सारे कॉलेज, ये सारे प्लाट मुझे अलाट किए, अल्लाह उनकी कब्र के दर्जात बुलंद करे। इस नए चीफ जस्टिस साहब को मैं नहीं जानता, ये बात मैंने की है। इसमें कोई बराई की है तो बताएं। इस नए चीफ जस्टिस साहब की ना मैंने शक्ल देखी है, ना मेरी सलाम दुआ है। फतेह खान बंदियाल के साथ ये 60 कॉलेज जितने बने उस, और सवाल ये है कि ये चाहते हैं कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो ताकि नया चीफ जस्टिस हो, ताकि 8 अक्टूबर को जो है सदर अलवी ना हो। सर, नया चीफ जस्टिस क्या PDM को सपोर्ट करेगा? मुझे ये नहीं पता। इतना सख्त सवाल का जवाब मैं नहीं देता, मैं शेख हूँ।